निवास क्षेत्र के ब्लॉक दानपुर के विकास कार्यों का एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने फीता काटकर उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। आपको बताते चले कि डिबाई तहसील के ब्लॉक दानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों पर मुख्य अतिथि एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने ब्लॉक प्रमुख आनंद लोधी की तारीफ करते हुए कहा है कि जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो विकास कार्यों की तो बयार बहेगी ही। राजू भैया ने कहा कि पिछले सपा और बसपा की सरकारों में केवल एक ही जाति विशेष के लोगों का विकास होता था, लेकिन हमारी सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कार्यक्रम के दौरान राजू भैया ने भावुक होते हुए कहा कि डिबाई से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है और डिबाई क्षेत्र की जनता ने जो प्यार और सम्मान उन्हें और उनके परिवार को दिया है उसे वो ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सीपी सिंह लोधी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। उनके कार्यकाल में दर्जनों सड़कें बनकर अब तक जनता को समर्पित हो चुकी हैं। बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रचेंगे। इस दौरान भाजपा जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मलखान सिंह लोधी, भोला भैया, पवन लोधी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए डिवाइस से धर्मेंद्र लोधी की ये खास रिपोर्ट। हमने न भाजपा देखी, हमने न सपा देखी, न हमने बसपा देखी, न हमने कांग्रेस देखी, न हमने लोकदल देखा। जो गरीब लोग थे उनके साथ विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। और आप भी, आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे हैं